तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल ही बता दिया था कि जो दीपिका सिंह हैं उनकी मम्मी कोरोना वायरस पॉजिटिव आई हैं और दिल्ली के अस्पताल में उनको बेड नहीं मिल रहा है। जी हाँ, दरअसल हाल ही में दीपिका सिंह की जो मम्मी हैं वो दिल्ली में रहती हैं और दिल्ली में जो है कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए बेड नहीं मिल रहा है। तो इसी को लेकर दीपिका सिंह ने कल वीडियो बनाया था और उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को और मोदी सरकार को कहा था कि प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए बेड अरेंज करवा दिया जाए। तो अब दोस्तों आपको बताते चले, दीपिका ने एक पोस्ट जारी किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि थैंक यू दिल्ली गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल जी कि मेरी मम्मी को अब बेड मिल चुका है। दोस्तों आपको बताते चलें कि दिल्ली के श्री गंगाराम हॉस्पिटल में दीपिका सिंह की मम्मी को एडमिट कर लिया गया है और जो दीपिका सिंह है उन्होंने धन्यवाद भी कहा कि इतना जल्दी रेस्पॉन्स करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि मेरे एक वीडियो बनाने पे और एक वीडियो पे मतलब कि ट्वीट करने पे इतना फटाफट मेरी मम्मी को बेड मिल गया। दोस्तों आपको बता दें कि दीपिका सिंह अभी मुंबई में रह रही हैं और उनकी मम्मी जो हैं दिल्ली में थी और कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गई। तो दोस्तों लीजिए पूरा वीडियो, देखिए आखिरकार क्या कहा था दीपिका सिंह ने। मेरी मम्मी की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आएगी, क्योंकि मम्मी को सिर्फ फीवर था और टेस्ट नहीं आ रहा था किसी भी चीज़ का। इसी वजह से विदाउट डॉक्टर की रिकमेंडेशन हमने जो है उनका टेस्ट करवा दिया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू रिएक्ट। ऐसा लग रहा है कि जैसे समय का पहिया जो है उल्टा चलना शुरू हो गया है। तो अभी सर प्रॉब्लम ये है कि मेरी मम्मी जिस फैमिली में रहती है, मेरी जो जॉइंट फैमिली है पहाड़गंज में आर्यनगर में, वो कुछ 45 लोग एक साथ रहते हैं एक जॉइंट फैमिली में। मेरी दादी को भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है और मेरे पापा भी सस्पेक्टेड हैं। मेरी सिस्टर को भी नहीं पता था, कल से वो उनकी सेवा कर रही है, आज ही उसको पता चला है कि मम्मी पॉजिटिव है। तो कई सारे लोगों का टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे लोग मम्मी के संपर्क में आए हैं और मम्मी को भी ये कैसे हुआ है, क्योंकि मम्मी तो घर में ही रहती हैं, वो भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और रिपोर्ट हाथ में नहीं है, उनका एक्सरे कैसे करवाएं, सब यही बोल रहे हैं कि घर पे ही रहें, घर पे ही अपना इलाज करें। मगर घर पे रहने से हम उनका चेस्ट एक्सरे कैसे कराएंगे, कैसे पता चलेगा कि उनकी हालत कैसी है। उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। इससे पहले वो कभी भी अपने आप को इतना कमज़ोर फील नहीं की है। हमें उनका तुरंत इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर कोई भी सोर्स नहीं है मेरे पास दिल्ली में कि मैं किसी भी कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हम चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो अच्छा हो उसमें इलाज हो जाए उनका, मगर कहीं भी किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा हो पा रहा और कहीं से कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है। दवाइयों की कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, किसी डॉक्टर ने उनको कोई फ़ोन नहीं किया है, ना ही रिपोर्ट हाथ पे दी है। जब तक लेडी हार्डिंग से हमें रिपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक हम कैसे उनको किसी हॉस्पिटल को जाके बोलेंगे, फाइल तैयार कराएंगे कि यू नो उनको एडमिट कीजिए। और स्पेशली जहाँ मैंने जहाँ भी बात कही है सभी कह रहे हैं कि बेड्स फुल है, एडमिशन नहीं हो सकता है, घर पर ही रखिए। पर सर ये घर पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि 45 लोगों की फैमिली है, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो बाकी सब लोग भी आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है खतरे में आ जाएंगे। और ज्वाइंट फैमिली का भी बहुत प्रेशर है, सब लोग डरे हुए हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आई रियली नीड योर हेल्प, और स्पेशली टू केजरीवाल जी एंड दिल्ली गवर्नमेंट, आई रियली नीड योर हेल्प। प्लीज़ मेरी मैं आपको नंबर अपने हस्बैंड का बता देती हूँ, रोहित हैं, उनका नंबर है 9833649679। आप प्लीज़ किसी भी तरह से उनको कांटेक्ट करें। अगर हमें कोई भी आप वो भी बॉम्बे में है, मैं अपनी सिस्टर का नंबर नहीं दे सकती बिकॉज वो मम्मी पापा की सेवा करे कि वो फ़ोन उठाए, उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में है। तो प्लीज़ सर प्लीज़ हमें बताएं कि हम उनको कौन से हॉस्पिटल में जो है लेकर जाएं और